नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। 31 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट से नाइट उड़ान के लिए क्लियरेंस को लेकर निशिकांत पर दबाव बनाने का आरोप है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद निशिकांत दुबे और देवघर डीसी ट्विटर पर भिड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी FIR दर्ज कराने को लेकर देवघर डीसी पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लें। देवघर डीसी के बीच ट्विटर पर वार, ट्विटर पर भिड़े देवघर डीसी और निशिकांत। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर आमने सामने हैं। 31 अगस्त को दुमका की बेटी के घर वालों से मिलने निशिकांत दुबे के साथ मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा आए थे, लेकिन वापस दिल्ली लौटने के दौरान आरोप है कि उन लोगों ने बगैर इजाजत ATC बिल्डिंग में घुसे। इस दौरान जबरन दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस का दबाव बनाया। इसको लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात DSP सुमन अमन ने सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर के कुंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिन लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है उनमें सांसद निशिकांत दुबे, उनके दो बेटे सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर निशिकांत दुबे को मिली, उन्होंने भी देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर DC पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और पूछा है कि आप किस हैसियत से एयरपोर्ट के अंदर गए, आपको CCTV देखने की इजाजत किसने दी। निशिकांत के इस ट्वीट के जवाब में DC ने लिखा है कि वे एयरपोर्ट के टर्मिनल में एंट्री पास लेकर गए थे। साथ ही कहा कि DC भी एयरपोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य है। जिसके बाद सांसद ने फिर लिखा है कि DC किसकी अनुमति से CCTV कैमरे एप्रॉन और ATC टावर में गए, जिसके जवाब में उपायुक्त ने लिखा है कि वे एप्रॉन और ATC में नहीं घुसे थे। इसके बाद फिर एक बार सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, CISF या राज पुलिस सिर्फ सुरक्षा देने के लिए एयरपोर्ट पर होती है, ना कि CCTV फुटेज की जानकारी देने के लिए। इस पर DC ने पूछा है कि किसकी अनुमति से सांसद ATC कमरे में गए थे, किसकी अनुमति से उनके दो बच्चे ATC कमरे में गए, किसकी अनुमति से उनके समर्थक वहां गए। इसके जवाब में सांसद ने कहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों से इस बारे में जरूरी अनुमति ली थी। निशिकांत ने कहा कि सांसद होने के नाते देवघर एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी है। वही मनोज तिवारी एविएशन मंत्रालय के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य है। इस नाते वे नाइट लैंडिंग को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर से बातचीत करने जा रहे थे। इस बीच उनके बेटे उनके चप्पल हाथ में लेकर पीछे आ गए। इसके अलावा भी कई ट्वीट सांसद और DC ने किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर एक वीडियो भी अपलोड किया, दावा किया है कि DC जबरदस्ती सिक्योरिटी एरिया में घुस गए। निशिकांत और DC के बीच छिड़े ट्विटर वार के बीच BJP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सांसदों पर FIR दर्ज कराने पर सवाल खड़े किए। साथ ही पूछा है कि क्या सांसदों के एयरपोर्ट में घुसने का वीडियो DC ने क्यों सार्वजनिक किया। एक कमेटी होती है, हाई कमेटी, उसके बैठक के बाद निर्णय अनुसार उन फुटेज को सार्वजनिक की जा सकती है। DC महोदय ये बात को बताए, क्या उसकी बैठक हुई थी फुटेज लेने की, उस फुटेज को सार्वजनिक करने की कोई अनुमति उस कमिटी की बैठक में ली गई थी क्या। उपायुक्त महोदय बताए, किसके इशारे पर आपने फर्जी मुकदमे करने का करवाने का काम किया। DC महोदय बताए कि उस DSP को आपने किस तहत किसके अनुमति से ATC में अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो या देश में हवाई अड्डे की सुरक्षा, हमेशा इन लोगों ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ये पहला मौका नहीं है जब देवघर DC मंजुनाथ भजंत्री और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। इससे पहले भी 2021 में निशिकांत दुबे ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान DC मंजुनाथ भजंत्री पर JMM के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। इसके बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के 5 अलग अलग थानों में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा मामला दर्ज कराया गया था। तब BJP इसके खिलाफ चुनाव आयोग गई थी और चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को देवघर DC के पद से हटाने का निर्देश दिया था। तब मंजुनाथ भजंत्री को चुनाव आयोग से माफी भी मांगनी पड़ी थी। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण, रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे क्लियरेंस के लिए सांसद पहुंचे थे एटीसी ऑफिस, और अब डीसी और सांसद के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। सीधा जुड़ेंगे देवगढ़ से सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ मौजूद है। अमरनाथ, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि क्या एटीसी कार्यालय में बिना परमिशन के, चाहे वो सांसद हो, डीसी हो या फिर कोई आम आदमी, क्या बिना परमिशन के जा सकता है? देखिए राजदा, जैसे जहां तक आज हमारी बात हुई है, कई कानूनविदों से भी हमारी आज बात हुई है जो यहाँ के अधिवक्ता हैं और अच्छे जाने माने अधिवक्ता हैं, देखिए उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। और देखिए जहां तक सांसद का यह मामला है कि सांसद यहाँ के जो देवघर एयरपोर्ट है उसके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन है, वही जहाँ तक डीसी की बात है वह भी उस बोर्ड के मेंबर हैं। तो जब तक जहाँ तक बात है, तो जहाँ ये सांसद की बातें आ रही हैं कि वो एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते वो एटीसी बिल्डिंग में जा सकते थे। और जहां तक मैं आपको बताऊं, सुबह का वक्त था, सवेरे जब सांसद अपने सभी सहयोगियों के साथ जब देवघर पहुंचे थे, उस समय ही यहां पर मैं वहां पर खुद मौजूद था, और वहां पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो यहाँ के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि सर आज बैठक है और आप बैठक में आप देख ले कि क्या क्या मामला आपने जो जो इशू रेज किया है उन मामलों की आप एक बार समीक्षा कर लेंगे। हालांकि सांसद ने कहा था कि लौटने में उनको आज ही लौट के जाना है, रांची दिल्ली लौट के जाना है और आएंगे तभी इस मामले को देखेंगे। निश्चित तौर पर यह मामला उसके बाद तूल पकड़ा है। देखिए जिन लोगों के ऊपर, जो नौ लोगों के ऊपर, जो सांसद के साथ जो नौ लोगों के ऊपर जो यहाँ पर जो FIR कराया गया है जिला प्रशासन की ओर से, उसमें मुकेश पाठक हमारे साथ है, इन्हीं सब जानते हैं। देखिए मुकेश जी, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कैसे मामला हुआ ये? देखिए हम लोग जो है 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, 5:15 में हमारे सांसद और वो अंदर घुस गए थे। अंदर घुसने के बाद उन्होंने, चूँकि वो बारिश में भींग गए थे, उनका चप्पल उप्पल पूरा भींग गया था, तो वो छोड़ दिए थे बाहर ही, और उन नंगे पाँव जो है वो जा रहे थे कि हमको 5 मिनट में कुछ ज़रूरी काम है, चूँकि पहले से हम अपॉइंटमेंट ले चुके हैं डायरेक्टर साहब से, और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है मामला लंबित है और इसी महीने में सुनवाई होनी थी, उसी कुछ इम्पोर्टेंट इशू पर कुछ बातें करनी है, तो 5 मिनट हम बात कर लेते हैं उनके कार्यालय में जा करके। उसी में वो जो है जा रहे थे, तो उसी पीछे उनके दोनों पुत्र जो थे वो चप्पल जूता ये सब लेकर के, दूसरा चप्पल जूता लेकर के पीछे से दौड़ के देने के लिए जा रहे थे। उसी में जो है वहाँ सिक्योरिटी हेड जो थे, सिक्योरिटी में जो वहाँ तैनात थे झारखंड पुलिस के DSP, उन्होंने दौड़ करके जा करके, ये जानते हुए कि ये सांसद के दोनों पुत्र हैं, दौड़ करके जा करके उन लोगों को बाय फोर्सली जो है रोका, उनके साथ गाला गली किया। और जब वो हमारे सांसद महोदय ने कहा कि हमारे दोनों पुत्र हैं, तो उनको भी जो है धमकी दिया कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे, मैंने यहाँ तक कि थ्रेटनिंग दिया गया कि आपके साथ भी कुछ हम घटना कर सकते हैं, जान मारने के भी। चलिए तो अगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं निशिकांत दुबे या फिर डीसी वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, वो जा सकते हैं, लेकिन अहम सवाल ये उठ रहा है अमरनाथ कि 5:30 बजे के बाद टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा फिलहाल देवघर एयरपोर्ट में नहीं है, तो ये जबरदस्ती जो क्लियरेंस की बात आ रही है उस पर जरा बात रखे कि ये जबरदस्ती क्लियरेंस क्यों लिया जा रहा था? देखिए जहां तक जबरदस्ती की बात है, तो जबरदस्ती क्लियरेंस की का मामला अभी तक नहीं आया है सामने, ये तो जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाया कि जबरदस्ती क्लियरेंस लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था। ये आरोप जरूर लगाया गया है, जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जबरदस्ती आरोप ये लिया गया है। जहां तक अगर जबरदस्ती लिया गया होता, तो देखिए पूरा का पूरा ये मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और ATC के कर्मियों के द्वारा कंप्लेंट किया जाता है कि सांसद या फिर जो पायलट आए हुए थे उन लोगों के द्वारा जबरदस्ती हमसे परमिशन मांगा जा रहा है। लेकिन ATC के जो कर्मी है या जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया गया, ना ही अपने विभाग को लिखा गया है, और इसके बावजूद अब समझिए कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ये केस किया जाना, ये अपने आप में एक सवाल पैदा होता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने सवेरे अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था
कि हमारी जब बात हुई यहाँ के एक दो अधिवक्ताओं से तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए माँ, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के, एयरपोर्ट के भीतर अगर कहीं भी कुछ होता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी उसके लिए यानी कि डायरेक्टर यहाँ जिम्मेवार हैं। अगर भीतर से कहीं कोई मामला होता है तो उसको लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं वे कंप्लेन करेंगे, वे बताएंगे प्रशासन को, थाने में कंप्लेन देंगे। लेकिन ATC के अधिकारी और साथ ही साथ जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे भी जब इस बाबत जब पूछा गया तो उन्होंने भी साथ इस प्रकार से इनकार किया उन्होंने, और उन्होंने भी कहा है कि कई मामले जो थे जिस मामले को लेकर के उन्होंने सवेरे ही जब सांसद जब पहुंचे हुए थे उसी समय उन्होंने एक आग्रह किया था कि वे एक बार देख लें, जिस समय उन्होंने सांसद ने जब कहा था कि आप कि जब हम लौटेंगे तब हम वहां से देखेंगे हम। तो कुल मिलाकर देखिए मामला अब यहाँ पर ये फंस रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि जब मामला जब हुआ कि जहां तक कि अब जब केस हो रहा है जिसके घर में चोरी हुई, अब वो चोरी का कंप्लेन उनके द्वारा नहीं करके दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है कि देखिए भाई फलाने के घर में चोरी हो गई है, तो ये मामला अपने आप में एक कहिए कि एक राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो ये मामला अब DC और देवघर और सांसद के बीच का ये मामला हो गया है, और दोनों के बीच अगर हम कहें तो लगभग ये 1.5-2 वर्षों के भीतर ये एक दो मैंने कहे कि नूरा कुश्ती का यहाँ पर चल रही है। जी राजा अमरनाथ, ऐसा तो नहीं कि डीसी के साथ पहले भी निशिकांत दुबे की बहुत बार ऐसा हुआ है कि इनकी भले ही ट्विटर हो आमने सामने एक बार फिर से ये आए हैं। 2021 की बात करें जब मधुपुर उपचुनाव हुआ था उस वक्त भी ये दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी जो अपनी जो भी रंजिश है या जो भी इसे कह ले वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहाँ तक जहाँ मैं आपको बताऊं कि अब अगर हम कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देखिए कुछ दिन पहले जब सरकार के लोग जब थे जब वहाँ से रांची एयरपोर्ट से जब सीधे एयरपोर्ट के कैंपस में चले गए थे तो उसको लेकर के सांसद के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि बगैर सुरक्षा जाँच के सीधे सीधे विधायकों को यहाँ से भेज दिया गया था, उनकी जांच होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई थी, उसको लेकर के सांसद के द्वारा ट्वीट किया गया था। अब ऐसे में सांसद के द्वारा यहाँ पर आना यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर के लोगों से यहाँ पर आना और आने के बाद अब आप समझिए कि सांसद जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं और अधिकारियों से बात करने के बाद जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं और उसके बाद ये इस प्रकार का मामला जब सामने आता है तो समझिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग हमारे साथ। देखिए मुकेश जी अब ये मामला है, इन पर भी केस हुआ है क्या? क्योंकि सांसद ने भी FIR दर्ज कराया है तो सांसद के द्वारा जो जी हाँ जी राजदा इनके ऊपर भी केस हुआ है, जो 9 लोगों के ऊपर जो केस हुआ है उसमें स्वयं मुकेश पाठक भी हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और सांसद की ओर से एक नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या मुकदमा दर्ज कराया गया था और बताएं आप पूरा डिटेल से। देखिए वहाँ पे जो मुकदमा दर्ज कराया गया है माननीय सांसद जी के द्वारा उसमें साफ तौर पर से कहा गया है कि चूंकि वो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होने के नाते वो जा रहे थे वहाँ पे एक मीटिंग के लिए जरूरी, जो कि अनरेबल कोर्ट में मामला पेंडिंग था, डायरेक्टर साहब से बात हो चुकी थी और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था तो उसी सिलसिले में जा रहे थे। तो उसी में जो है जो घटना घटी है उनके साथ में और इनके ऊपर जानलेवा एक तरह से जान मारने की भी धमकी दिया गया वहाँ के जो सिक्योरिटी हेड थे और इनके कार्य में बाधा डाला उन्होंने कि नहीं आपको नहीं जाने देंगे आपको किसी भी, और वो मीटिंग नहीं होने देना चाह रहे थे, कार में बाधा डाला और कुछ जबरदस्ती उनको रोका जा रहा था उसी सिलसिले में। और ये सब सारी घटनाएं जो है हम लोगों का उनका कहना है कि यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं उनके दिशा निर्देश पर वहाँ के सिक्योरिटी हेड ने ऐसा घटना चारित किया, इसलिए उसका ताज़ा जीता उदाहरण ये है कि दूसरे दिन 1 तारीख को वो लगभग 11:30-12 बजे DC पूरे काफिले के साथ देवघर एयरपोर्ट पर जाते हैं और बिना किसी सूचना का बिना किसी डायरेक्टर के परमिशन का वो अंदर चले जाते हैं और उस एरिया में चले अपने मन से चले जाते हैं जहाँ की प्रतिबंधित एरिया है, चाहे वहाँ किसी भी सूरत में बिना परमिशन का नहीं जाना है चाहे कोई भी हो, और वहाँ वो गए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण होगा कि CCTV फुटेज देखा जा सकता है कि उपायुक्त और जो वहाँ जो सिक्योरिटी हेड थे वो कहाँ कहाँ गए हैं और किस किस एरिया में गए, वो गए और ये सारे सब काम किए हैं, वहाँ भी डायरेक्टर का कोई परमिशन नहीं कोई सूचना नहीं, जबकि डायरेक्टर साहब ने उनको रोका है उनको समझाया है कि नहीं, लेकिन अपने पावर का ये ध्वंस देकर के फोर्सली वहाँ
इन किए हैं और मुझे जो लगता है कि उनके ऊपर सही माने में जो धारा लगी है सुसंगत क्रिमिनल ट्रेसपास का, हाउस ट्रेसपास का, वो लगना वो प्रूफ होगा, जबकि उल्टा इन्होंने जो एयरपोर्ट डायरेक्टर पर जो लगाया अन्य ने एक्यूज किया है, जबकि एयरपोर्ट का मालिक जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर होते हैं और जब वो मालिक खुद हैं तो अपने एरिया में अपने ज्यूरिडिक्शन में कौन सा ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, कौन सा हाउस ट्रेसपास किया। हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास तब होता है जब हम किसी दूसरे के एरिया में बिना किसी परमिशन का घुस जाते हैं, तो वहाँ टोटल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्स जो है FIR मनगढ़ंत राजनीतिक दोष से जो है किया गया प्रतीत होता है। और मुझे लगता है कि जहाँ पे स्पेशल लॉ है, एयरक्राफ्ट एक्ट स्पेशल लॉ लागू है, वहाँ पे IPC की धारा क्लियरेंस मिला था उड़ान भरने के लिए, ATC कार्यालय ने क्लियरेंस दिया था इन्हें। ऑटोनोमस आदमी बाहरी है, जैसे कि चाहे सिक्योरिटी हेड हो चाहे पुलिस कांस्टेबल हो। मुकेश जी, एक सवाल ये है कि ATC ने आप लोगों को क्लियरेंस दिया था उड़ान भरने के लिए? ATC ने क्लियरेंस दिया, उसके बाद ही वो उड़ान भरे हैं। 5:25 में वो प्लेन के अंदर में जाके बैठ गए थे, उसके बाद ATC क्लियरेंस दिया, उसके बाद ही वो उड़ान हुआ है। क्या जबरदस्ती के लिए, क्योंकि 5:30 के बाद सुविधा नहीं है फिलहाल देवघर एयरपोर्ट में उड़ान भरने के लिए या लैंडिंग के लिए। अगर तकनीकी तौर पर हम बात करें या सेफ्टी के तौर पर हम बात करें तो 5:30 के बाद लैंडिंग की सुविधा, लैंडिंग एट जी देखिए देखिए मुकेश जी, यहाँ पर लैंडिंग और या फिर टेकऑफ की बात अगर हम करें 5:30 के बाद नहीं है यहाँ पर, तो ये बताइए क्या जब वहाँ पर जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया है कि आप लोगों के द्वारा जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती वहाँ से ATC के से आप लोगों ने लिया है, अनुमति लिया है, क्या मामला था? देखिए जो FIR सिक्योरिटी हेड के द्वारा किया गया हम लोगों के ऊपर, उसमें सिक्योरिटी हेड ने लिखा है कि चूंकि यहाँ जो टेक ओवर का जो है जो टाइम है, यहाँ 6:00 उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उस दिन समय वो दिन के मौसम को देखते हुए 5:30 होना चाहिए, 5:30 तय किया गया था। वो किस आधार पर कह सकते हैं, उनके पास क्या जानकारी है? वो क्या, वो उनको सिक्योरिटी के लिए सिर्फ देखा गया, वो बताएंगे वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के ATC के जो हेड हैं वो बताएंगे कि वो हमको, और वो बिल्कुल नियम संगत तर्क संगत के तहत ही और विद इन समय टाइम के रहते हुए उन्होंने जो है दिया है क्लियरेंस, और उस आधार पर जो है देखिए राजदा, कुल मिलाकर हम बात कहें तो देखिए, अगर जो यहाँ कानूनविद जो कर रहे हैं, जो यहाँ का अधिवक्ता कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात माने तो ये जो FIR अगर दर्ज होना था तो वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से FIR होना था। अगर कहीं कोई घटना हुई थी तब, अगर वाकई ATC के अधिकारियों को धमकाया गया था तब, लेकिन ऐसे में ATC के अधिकारियों के द्वारा कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया गया है, और एक सुरक्षा में वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे पदस्थापित एक DSP के द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया है, और इसी को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है कि आखिर किस परिस्थिति में ATC के पदाधिकारियों ने मुकदमा नहीं कराया है। चलिए, जांच का विषय है अमरनाथ। अब देखना यह है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, सांसद के दोनों बच्चे और 9 लोग जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR दर्ज कराई गई है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में ये आरोपी है या फिर इनका जो ट्विटर वार चल रहा है, चाहे हम DC की बात करें या सांसद के बीच की बात करें, वो देखना होगा। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि क्या जबरदस्ती जो आरोप लगाए गए हैं कि जबरदस्ती क्लियरेंस ली गई है, क्या वाकई वो सही है, जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।